वैशाली के जिला सहकारी बैंक के सुपरवाइजर के घर बुधवार को ईओडब्ल्यू ने छापेमार कार्रवाई की, जिसमें आय से अधिक संपत्ति मिली है। जानकारी के मुताबिक गंगा प्रसाद साहू पर आय से अधिक संपत्ति रखने की शिकायत मिली थी। शिकायत थी कि गंगा प्रसाद साहू जब समिति प्रबंधक थे तब गेहूं और धान की जमकर धान ली किया करते थे। इसके अलावा भी कई मामले उन पर सालों से चले आ रहे हैं, जिसको लेकर एसपी रीवा समय समय पर जानकारी मांगते रहे, लेकिन गंगा प्रसाद साहू उन्हें गुमराह कर जानकारी देने से बचता रहा। इसी के चलते आज गंगा प्रसाद साहू के घर ईओडब्ल्यू ने सुबह से ही छापा मारा। फिलहाल विभाग और भी मामले सामने लाने में जुटा हुआ है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई रीवा में गंगा प्रसाद साह तत्कालीन लीड प्रबंधक के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का एक प्रकरण विवेचनाधीन है। प्रकरण की विवेचना में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में दो टीमें तैयार होकर के इनके आवास का सर्चिंग करने के लिए आई हुई हैं। एक टीम इनके जो पैतृक निवास है जरहा वहाँ की सर्चिंग कर रही है, दूसरी टीम इनके बैढ़न स्थित मकान की सर्चिंग कर रही है। सर्चिंग के दौरान अभी हमें बहुत सारी संपत्ति का पता चला है, लगभग करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। उसमें इनके तीन मकान हैं, एक मकान अभी और है बिलौंजी में, बहुत सारे वाहन हैं, ट्रक है, स्कॉर्पियो है, जेसीबी मशीन है, ट्रैक्टर वगैरह है। इसके अलावा बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण हैं और अभी सर्चिंग की कार्रवाई अभी भी जारी है।